ज़िले से और आम जगह से ये बेस्ट रहता है। इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता हर तरह का यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे स्वाद आप लुप्त उठा सकते हैं। दही चूड़ा हो, पेड़ा हो, कभी गुजरना होता है तो भूख लगे या न लगे, हाँ नहीं खा के जाते हैं। शादी ब्याह कुशवाहा जाति में किया जाता है, लेकिन नेता विवेक से चुना जाता है। और अक्टूबर में मिल चालू हो रहा है और दिसंबर में बंद हो जा रहा है। क्यों बंद हो जा रहा है? गाना नहीं है यहाँ, तो क्या मिल लेके क्या कीजिएगा ये बताइए। शशि जी, 24 जी लोग तो ब्राह्मण ही आते हैं ना। तो मदन मोहन तिवारी जी है ना, तो इसीलिए आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर संजय जी के पक्ष में नहीं बोल रहे। मोतिहारी राधामोहन सिंह, ये रिजर्व है। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जाता है पैसा, उसी तरह फिक्स डिपॉजिट की तरह है। इसको दुनिया कोई हटा नहीं सकता है। सेक्युलर नेता के रूप में इनको देखा जाता है और बताया जाता है कि जो है इन्होंने कभी उस तरह का हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कही, फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं होता? भरोसा नहीं होता है, काम भी तो सिर्फ भरोसा करने से थोड़े होगा। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार? जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? इस न्यूज पर देखिए 2024 का समाज, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। इस टीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं तमाशा 2024 का। मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव के कवरेज के सिलसिले में हम इस वक्त जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं नानो सती चौक पे। ये जो बेतिया टू मोतिहारी टू बेतिया जो हाईवे है, उसके बेतिया से पहले एक जगह है नानो सती, जहाँ पर एक चौक है, ये नानो सती चौक है। तो यहाँ पे एक नरेश यादव करके एक उप प्रमुख हैं, तो उनका ये ढाबा है और ये काफ़ी इस पूरे इलाके में दही चूड़ा के लिए मशहूर है। और जब हम यहाँ आए तो कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, फोर व्हीलर, और लोग उतर करके यहाँ पे दही चूड़ा का आनंद ले रहे थे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं। हमारे जो इस पश्चिमी चंपारण के जो संवाददाता हैं राजू शर्मा, वो इस वक्त हमारे साथ है। राजू शर्मा जी, कुछ इसके बारे में बताइए। तो बड़ा सुने कि मशहूर है ये ढाबा। जी बिल्कुल, ये बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH-727 के बगल में नानोसती जो पुलिस चौकी है उसी के बगल में ये नरेश जी का दुकान है, जो यहाँ के उप प्रमुख है और काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है। यहाँ पे काफ़ी अधिकारी हो, IAS IPS हो, यहाँ से मिठाई लेके जाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और काफ़ी ये प्रसिद्ध दुकान है यहाँ का माना जाता है। क्यों इसका मतलब क्या टेस्ट अलग रहता है ना? ये ज़िले से और आम जगह से ये बेस्ट रहता है। इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता हर तरह का यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे स्वाद आप लुप्त उठा सकते हैं। दही चूड़ा हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, तरह तरह के मिठाइयाँ हो यहाँ पे बनती है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और नाश्ता हो, सुबह का नाश्ता यहीं पे करते हैं, दही चूड़ा का लुप्त उठाने आते हैं यहाँ पे। तो चाहिए चाय पे चर्चा और मछली पे चर्चा तो हम लोग कर ही लिए हैं, दही चूड़ा पे भी कुछ चुनावी चर्चा कर ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं दही चूड़ा का, तो हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, दही चूड़ा आप लोग ले रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग तो हरसिद्धि से हैं। हरसिद्धि से इधर कहाँ जा रहे हैं? जितनी जब भी आना जाना रहता है, हाँ, तो हम लोग आके यहाँ दही चूड़ा और गुलाब जामुन खाते हैं। अच्छा, खाते। सुने कि इधर का बहुत मशहूर है ये दही चूड़ा, मशहूर दुकान है, बहुत दिनों से है। तो आपका जब भी गुजरना होता है इधर, जब भी गुजरना होता है तो भूख लगे या न लगे, हाँ, नहीं खा के जाते हैं। इधर से गुजरने पर अपने आप भूख लग जाती है ना? हाँ हाँ, ऐसे खाना खा के आए थे, एक घंटा हुआ बेतिया आए हुए, नहीं फिर भी अचानक गए तो हुआ थोड़ा सा ले लें। आपके साथ हैं? जी मैं साथ में हूँ। एक्चुअली हम लोग आते हैं मोतिहारी से, हम लोग राधामोहन जी के प्रचार में आए, लेकिन एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी में हम लोग आए थे हॉस्पिटल मिलने। अच्छा, तो राधामोहन जी के प्रचार इधर क्यों कर रहे हैं? उनके प्रचार हम नहीं करने आए हैं, एक्सीडेंट हुआ था, कानून से मिलने आए हुए थे हम लोग। अच्छा, तो आप भी प्रचार में, राधामोहन जी के प्रचार में ही इधर मिलने आए किसी? हाँ मिलने, वो एक्सीडेंट वाला हो गया था ना। कैसा चल रहा है राधामोहन जी? तो इस बार छठी बार किस्मत आजमा रहे हैं, आप लोग माहौल कैसा देख रहे हैं? माना नहीं है, वो आजमा हुआ है, एकदम बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वहाँ से राधा मोहन सिंह अच्छे वोट से जीतेंगे। हाँ,
इस बार तो लोग कह रहे हैं कि बस में नाराजगी है पूरे बिहार में, और मुकेश सहनी की पार्टी से टिकट मिला है तो कुशवाहा और सहनी समाज थोड़ा सा कट रहा है उनसे। थोड़ा तो प्रभावित होगा लेकिन उसका कोई खास असर नहीं है, इतना असर नहीं होगा कि वो जो है हार जाए, थोड़ा बहुत असर होगा। तो राधा मोहन सिंह जी के कैंपेन में ये लोग निकले हुए हैं और यहाँ पे कहीं जो है, और मैं कुशवाहा जाति से आता हूँ, शादी ब्याह कुशवाहा जाति में किया जाता है लेकिन नेता विवेक से चुना जाता है। और जो यहाँ सिचुएशन जो है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, हाईवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, बंदरगाह चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए, सोलर पावर चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिल रही है, इसलिए हम लोगों का वोट राधा मोहन सिंह को ही चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन देखिए विपक्ष के कुछ बेसिक सवाल हैं कुछ बड़े मुद्दों पर, जैसे चीनी मिल का मुद्दा है, मोती झील का मुद्दा है, आयुर्वेद कॉलेज का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। तो काफी काम है, नहीं वही कह रहे हैं, नहीं लेकिन कुछ तो वहाँ पे, तो इन सब मुद्दों को कैसे आप लोग, जनता तो पूछती होगी। देखिए वो सब विगत दिनों की बात हो गई, अभी जो हमारा चीनी मिल बन रहा है उसके पास गन्ना नहीं है कि चीनी मिल चल सके। अक्टूबर में चीनी मिल चल रहा है, कौन चीनी मिल यहाँ सुगौली में जो चीनी मिल है, हमारे दोनों जिला का जो चीनी गन्ना जाता है उसी मिल में जाता है, और अक्टूबर में मिल चालू हो रहा है और दिसंबर में बंद हो जा रहा है। क्यों बंद हो जा रहा है, गन्ना नहीं है यहाँ, तो क्या मिल लेके क्या कीजिएगा ये बताइए क्या कीजिएगा। लेकिन उधर हम कुछ किसानों से बात किए, वो लोग कहते हैं कि हम गोपालगंज लेके जाते हैं, गोपालगंज के सीमावर्ती जो एरिया है वहाँ का नजदीक पड़ता है मिल, तो उधर लेके जाएंगे। सुगौली में चीनी मिल है इसलिए मोतिहारी में नहीं खुलना चाहिए। नहीं तो सुगौली किस में आता है, मोतिहारी में आता है ना, अलग थोड़े है उस जिला से। संजय जायसवाल जी का क्षेत्र हो गया, संजय जायसवाल नहीं मतलब है, हमें एक्सीडेंट हुआ था एक आदमी का, हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं मिल के, नहीं चीनी मिल का कह रहे हैं। बहरहाल चलिए ये जनता के मुद्दे हैं, जनता जो है और जो उनके समर्थक हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं ये भी बात जो है दिलचस्प है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? चौबे जी। चौबे जी, अच्छा चौबे जी कहाँ घर है आप? खरिया। कौन सा आपका लोकसभा क्षेत्र है? पिपरा है, बेतिया, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में है। तो इधर आप दही चूड़ा यहाँ पे कैसे, कहीं रास्ते से गुजर रहे थे क्या? ना इधर बगल में लोग घर है तो इधर है। अरे यहाँ का दही चूड़ा बड़ा मशहूर है। हाँ मशहूर है, इसीलिए आप लोग दही चूड़ा लगे हाथ जो है। तो जो एक हर इलाके में कोई जो प्लेस होता है वो फेमस जगह होता है, और वहाँ जो लोग ख़ास तौर से उस चीज़ को पसंद करते हैं और बार बार वहाँ पे जाना चाहते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है चौबे जी, क्या आपके इलाके का किस तरह का माहौल है? अभी तो माहौल गड़बड़ चल रहा है, अभी यहाँ पे डाउन टाउन है। किधर गड़बड़ चल रहा है? कोई भाजपा में है तो कोई इधर है। अरे लड़ाई इधर आसान नहीं है संजय जी के लिए नहीं है छिपा रहे हैं आप नहीं है। चौबे जी लोग तो, शशि जी चौबे जी लोग तो ब्राह्मण ही आते हैं ना? ओ तो मदन मोहन तिवारी जी है ना, तो इसीलिए आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर संजय जी के पक्ष में नहीं बोल रहे क्या आप लोगों के इस लोकसभा क्षेत्र की क्या मूल समस्याएं हैं और मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव हो रहा है क्या आप समझ रहे हैं? किन मुद्दों पर हो रहा है मतलब मुद्दा यहाँ का पश्चिमी चंपारण लोकसभा में क्या मुद्दा है, किस मतलब जो है विकास वगैरह से लेकर के विकास है कोई बताइए? विकास रहता तो कहा जाता है, संजय जी से कोई काम कहा जाता है जो लेवे नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बोलिए एगो मोदी जी के नाम पर है जो लोग तैयार रहता है वोट देने के लिए, मोदी जी के नाम पर ये लोग का करते विधायक लोग दिखा देखते मतलब संजय जी से खफा जरूर है लेकिन मोदी जी को भी देख रहे हैं आप लोग ना? अरे उनके नाम पर चल रहा है, मोदी जी के नाम से इस बार भी चल जाएगा कि? अच्छा तो इस पर सबने विचार हो गया था सबने विचार किया। आप क्या क्या नाम है भैया आप? तो दीपक कुमार गुप्ता। आप कहाँ से हैं? खेड़ियारी।
अच्छा, तो आपका ही तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा हुआ ना? संजय जायसवाल, संजय जायसवाल जी के वो अच्छे है या ना है, लेकिन सीट ये दो है ना, मोतिहारी राधामोहन सिंह ये रिजर्व है, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जाता है पैसा, उसी तरह फिक्स डिपॉजिट की तरह है, इसको दुनिया कोई हटा नहीं सकता है, ये फिक्स है, फिक्स इसमें कोई किंतु और परंतु। संजय जी को मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं है, वो जो सोच रहा है ना वो काफी है, लोग बोलता है कि लाख डेढ़ लाख, हम लोग लग रहा है कि 2 लाख से ऊपर प्लस वोट से वो जीतेंगे, लीड करेंगे। आप उनके साथ घूम रहे हैं क्या? नहीं घूम रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हवा वाई चलाते हैं, हमारा घर भेड़ियारी हुआ। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, हम जानते हैं जो चीज वो बता रहे हैं कि वो चीज उनका कंफर्म है। ये दो सीट नामो क्या हुआ? दीपक कुमार गुप्ता। अच्छा, दीपक कुमार गुप्ता, यानी कि आप बस समुदाय से आते हैं। बिहार में जो है जातीय राजनीति बहुत उफान पे है, और इस बार के चुनाव में ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि जातीय बेसिस पे लोग जो है बहुत चुनाव करते हैं। कुछ और लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अमजद आलम। अमजद आलम कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण लोकसभा से। जी जी। तो कौन प्रखंड में आपका घर पड़ता है? रुकौलिया। रुकौलिया, क्या उधर माहौल है इलेक्शन? उधर माहौल तो ठीक ही है। राजेश कुशवाहा का उधर है ठीक ठाक। राजेश कुशवाहा का उधर जो है बोलबाला है। अच्छा, तो आप लोगों के पास तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है? हाँ, हम लोगों के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है अरशद आलम। आपका क्या विचार? मेरा विचार वही है, इंडिया इंडिया गठबंधन वही जीत ही रहा है, मुतिहारी से राधामोहन सिंह कहीं कहीं नहीं है, वो सब खत्म बजा रहे हैं। लेकिन राधामोहन सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है एक सेकुलर नेता के रूप में इनको देखा जाता है, और बताया जाता है कि जो है इन्होंने कभी उस तरह का हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कही, फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं होता? भरोसा नहीं होता, काम भी तो सिर्फ भरोसा करने से थोड़े होगा, काम भी तो होना चाहिए, काम नहीं हुआ है मुतिहारी में, सब काम ही नहीं हुआ है। क्या काम चाहते हैं? एजुकेशन पे काम होना चाहिए, रोड वगैरह पे भी काम होना चाहिए, यही सब, और क्या, हम लोगों को पैसा थोड़ी दे देगा महीना। एजुकेशन पे तो यूनिवर्सिटी बन ही गया। यूनिवर्सिटी बन ना गया, नाम का ना हो गया, बिल्डिंग कहाँ बना है, बिल्डिंग वगैरह बन जाए तब ना समझिए कि वहाँ काम कराए। तो ये सब चीज़ें जो हैं है, तो यहाँ पे चूँकि ये हाईवे का क्षेत्र है तो यहाँ पे मिले जुले लोग मिलेंगे। आप देख लीजिए कि दही का जो है मामला है कि यहाँ कितना सारा दूध रखा हुआ है, इतने बड़े बड़े ये में, और फिर इसके बाद दही बनता है। ये किचन है, हमारे सहयोगी आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे, देखिए मिठाई लगातार यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, हालाँकि नरेश यादव प्रमुख उप प्रमुख यहाँ के जो हैं उनकी ये दुकान है, लेकिन वो यहाँ है नहीं, लेकिन उनके लोग यहाँ ज़रूर हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया है सर। तो सुने कि आपकी दुकान बहुत मशहूर है इस इलाके में? जी सर। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पूरे बेतिया के पदाधिकारी मोतिहारी के भी आते हैं लोग। हाँ, लोग दही चूड़ा और मिठाई उठाई खिलाते हैं, हेवी क्वालिटी का, एक बार खाइए आप देखिए। तो ये बताइए कि आप लोग कैसे, क्वालिटी आप लोगों की जो सारे लोग तारीफ करते हैं यहाँ रुक करके, जो है जो ही इधर से गुजरते हैं जरूर आपके यहाँ आते हैं, क्या क्वालिटी आप लोग देते हैं, कैसे देते हैं? एकदम नेचुरल क्वालिटी है, जो घर पे मिलता है ना वैसा ही मिलेगा एकदम, जो इसमें कोई मिक्स नहीं मिलेगा आपको। देखिए वहाँ पे दही जम रहा है पास में, एकदम मिट्टी वाला बर्तन में, जैसे घर पे मिलता है वैसा ही मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि कितनी खपत है आपके, कितने क्विंटल दूध का दही रोज जमाते हैं? दही रहता है 2 क्विंटल और सब मिठाई में रहता है 5 क्विंटल प्लस है दूध। डेली का खपत है? जी जी जी। माने 7-8 क्विंटल डेली का खपत है? जी सर। अच्छा, ओ 7 से 8 क्विंटल दूध की यहाँ खपत है, और लोग जो है दही का आनंद लेते हैं इस इलाके में। आइए दही जो यहाँ पे है वो भी देख लीजिए। ये पूरा जो है लगा हुआ है, दही जम रहा है, मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नसीम खान पड़ेगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं?
मजरिया शेख से बोल रहा हूँ। मजरिया शेख घर पड़ेगा। कौन कौन क्षेत्र है आपका लोकसभा? बेतिया क्षेत्र है जी। यहाँ पे आप दही चूड़ा खाने हैं? हाँ, यहाँ पे मतलब डेली आना है दही चूड़ा खाने। मतलब चुनाव के क्या बोलबाला है? क्या चुनाव का क्या बोलबाला है? चुनाव का बोलबाला यहाँ का मतलब ठीक है। चुनाव का बोलबाला जैसे मतलब किस पार्टी के मतलब बारे में मतलब हम तो चुनाव के पॉलिटिक्स में मुझे पता नहीं है उतना, लेकिन वोट तो कीजिएगा ना। वोट मतलब करेंगे, वोट करेंगे। कैसा कैंडिडेट चाहते हैं अपने इलाके में? मतलब कोई भी कैंडिडेट आए अच्छा काम, मतलब कैंडिडेट अच्छा चाहिए मुझे काम, मतलब जो भी वो अच्छा से करे और मतलब अपना प्रखंड मैंने विकास करने करे कैंडिडेट। विकास करने वाला उम्मीदवार चाहिए। तो फिलहाल ये जो नानोसती चौक पे जो ये दुकान है, आगे भी इनकी शॉप है और पीछे भी है, और ये लोग जो है लगातार लोगों की सेवा करते रहते हैं इधर से आने वाले। अच्छा, आपके यहाँ चना चूड़ा भी बिकता है? जी सर एकदम हेवी क्वालिटी का चना चूड़ा आपको मिलेगा। देखिए इसका रंग का दे रहे हैं। इसकी खुशबू भी जो है जो आ रही है, आप लोग तो देख रहे हैं लेकिन हम इसको महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं थोड़ा यहाँ पे अलग, जिसके वजह से यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं और इस चीज़ को का आनंद लेते हैं। तो आपको भी कभी इधर से गुजरना हो नानोसती चौक पे से के तरफ से, अगर बेतिया रूट में जा रहे हैं या बेतिया से फिर मोतिहारी की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। शुद्ध क्वालिटी जो देहाती और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसकी बात लोग कर रहे हैं। और जैसा इधर हमने सुना कि जो है जो बड़े बड़े अधिकारी भी इधर से रास्ते से गुजरते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर दही चूड़ा और मिठाई और चना चूड़ा जो भी यहाँ मिलता है उसका आनंद लेते हैं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार? जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? इस न्यूज पर देखिए 2024 का समाचार, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी।